नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। अगर आप बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार और करिए, हो सकता है 27 अगस्त के बाद आपके जिले में कुछ बारिश शुरू हो जाए। हालांकि उम्मीद कम है क्योंकि मध्य प्रदेश में 14 जिले सूखे की चपेट में हैं। मानसून की बेरुखी का असर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर भी है। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ सहित प्रदेश के 14 जिलों में अब तक औसत से भी कम बारिश हुई है। आने वाले दिनों में मानसून कैसा रह सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 27 अगस्त के बाद मानसून फिर से एक्टिव होगा। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के आसार हैं। अभी प्रदेश के 14 जिलों में सूखे की स्थिति है, वहीं 28 जिले ग्रीन जोन में हैं, पर वे खतरे के निशान पर हैं। यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो वे भी रेड जोन में शामिल हो जाएंगे। इस कारण चिंता बढ़ी हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत बुंदेलखंड, मालवा, निवाण में मानसून की बेरुखी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई थी। समय से पहले ही मानसून प्रदेश भर में सक्रिय हो गया था, बावजूद कई जिलों में बारिश की अच्छी स्थिति नहीं है। ग्वालियर, चंबल में जरूर ज्यादा पानी गिरने से बाढ़ ने तबाही मचाई, लेकिन मालवा, निवाण के ज्यादातर जिले अच्छी बारिश से महरूम हैं। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश का दौर नहीं बना है, इस कारण 14 जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। इनमें इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, हरदा, बुरहानपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी, छतरपुर, मंडला और बालाघाट जिले शामिल हैं, जो लगातार सूखा झेल रहे हैं। यहां कम बारिश के कारण लोग परेशान हैं। पीने के पानी से लेकर फसलों तक के लिए लोगों को पानी जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। उम्मीद है 27 अगस्त के बाद प्रदेश के तमाम जिलों में बेहतर बारिश होगी, ताकि सूखे के संकट से 14 जिले भी बाहर आ सकें। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर अगर इस खबर को आप देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।